साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। गंदी फिल्मों के कारोबार में जेल के अंदर गए राज कुंद्रा को फाइनली जेल मिली और कुंद्रा 62 दिन जेल में रहने के बाद बाहर आया और अब राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के घर में तमाशा हुआ है, हंगामा हुआ है। कुंद्रा और शिल्पा को लेकर पहले भी खबर आई थी कि जब पूछताछ के दिन कुंद्रा को घर लाया गया तो तब दोनों के बीच खासा झगड़ा हुआ था और अब बड़ी खबर एक बार फिर राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के घर से ही है। दोनों के बीच एक बार फिर से झगड़ा हुआ और इस बार शिल्पा शेट्टी गुस्सा नहीं हुई बल्कि राज कुंद्रा यहाँ पर पहल करने वाला था। जी हाँ, कुंद्रा शिल्पा शेट्टी पर भड़क गया, शिल्पा को बुरा भला कहने लगा जिसके बाद शिल्पा भी चीखने लगी और भी बहुत कुछ हुआ जो कि नौकर ने सब कुछ खोल कर रख दिया। तो क्या हुआ कुंद्रा के घर आने पर, कैसे लड़ पड़े दोनों, क्या क्या हुआ वहाँ पर, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो 20 सितंबर को राज कुंद्रा को जमानत मिली और उसके बाद राज कुंद्रा 21 सितंबर को जेल से बाहर भी आ गया। कुंद्रा सीधे अपने घर पहुंचा, हालांकि राज कुंद्रा को सीधे ही शिल्पा शेट्टी और बच्चों के साथ नहीं जाने दिया गया। कुंद्रा को 3 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया जो हमने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि राज कुंद्रा जेल में था, बाहर मीडिया के जमावड़े के बीच से आया था और इसीलिए कुंद्रा को गेस्ट रूम में रहने के लिए कहा गया। अब बड़ी खबर यह है कि राज कुंद्रा 3 दिन के बजाय सिर्फ एक ही दिन गेस्ट रूम में रहा और उसके बाद कुंद्रा ने क्वारंटीन होने से इनकार कर दिया और झगड़े की शुरुआत यहीं पर हुई। लेकिन बात असल ये नहीं थी, बात बहुत कुछ थी, बहुत आगे तक की थी। जी हाँ, कुंद्रा के घर में मौजूद सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा ने पहले तो साफ साफ कहा कि वो जेल में रहकर आया है और अब घर के अंदर भी जेल जैसी कंडीशन तो बिल्कुल नहीं चाहता। सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा ने कहा कि वो क्वारंटीन नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा और सभी के साथ ही रहेगा। हालांकि इस पर शिल्पा शेट्टी ने नाराजगी जताई, लेकिन यहाँ पर शिल्पा ने झगड़ा नहीं किया और घर में छोटे बच्चे और सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के होने की बात कही और कुंद्रा को बात मानने के लिए कहा, क्वारंटीन रहने के लिए कहा। लेकिन इसके बाद तो झगड़ा शुरू हो गया। सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी पर भड़क गया, कुंद्रा ने बात को पूरी तरह से बदल दिया। जी हाँ, जो बात अब तक क्वारंटीन या फिर 3 दिन की हो रही थी वो बात अब राज कुंद्रा के गंदे धंधे और शिल्पा शेट्टी की गवाही पर आ गया। सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा ने शिल्पा से कहा कि वो मेरे यानी कि कुंद्रा के खिलाफ गवाही देकर आई है। कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी की गवाही पर ही सवाल उठा दिया। जी हाँ, यही सब कुछ हुआ वहाँ पर। आगे देखिए, राज कुंद्रा ने शिल्पा के बयान पर सवाल उठाए। कुंद्रा ने शिल्पा से कहा कि तुम्हें ऐसे बयान देने चाहिए थे, ऐसी गवाही देनी चाहिए थी जिससे मेरी मुश्किल कम होती, मेरी मुश्किल आसान होती, मुझे जेल से बाहर निकलने में मदद मिलती, मुझे इस केस से बाहर निकलने में मदद मिलती। लेकिन तुमने जो कुछ भी कहा वो मेरी मुश्किल कम नहीं बल्कि ज्यादा बढ़ाने वाला है, तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी ने इस केस में गवाही दी है। चार्जशीट के मुताबिक शिल्पा ने कहा है कि उसका राज कुंद्रा के धंधे से कोई लेना देना नहीं है, उसे नहीं पता था कि राज कुंद्रा ऐसा काम करता था क्योंकि वो खुद बिजी रहती थी, उसके पास इतना समय नहीं होता था कि ये पता किया जाए, ये देखा जाए कि राज कुंद्रा आखिर कर क्या रहा है। यही नहीं, शिल्पा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मेरा यानी कि शिल्पा का खुद का कुंद्रा के धंधे से, कुंद्रा के प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है, इसमें मेरी कोई हिस्सेदारी, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी का यही बयान कुंद्रा की आंख में चढ़ गया क्योंकि इसमें कहीं भी शिल्पा ने नहीं कहा था कि उसका पति बेकसूर है या फिर राज कुंद्रा ने ऐसा वैसा गंदा कुछ नहीं किया, बल्कि शिल्पा ने तो उल्टा कुंद्रा के बारे में जो बातें कही उससे तो यही साफ हुआ कि राज कुंद्रा कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा था और उस गलत काम का शिल्पा शेट्टी को पता नहीं था और शिल्पा का उससे कोई लेना देना भी नहीं है। अब आगे देखिए, यही बात राज कुंद्रा ने पकड़ ली और इसी बात पर राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी पर भड़क गया, बुरी तरह से बरस गया घर में सबके सामने। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक घर में सबके सामने ये सब कुछ हुआ, वहां पर घर के नौकर तक मौजूद थे। कुंद्रा के भड़कने पर शिल्पा शेट्टी भी चिल्लाई और कुंद्रा को लेकर कई बातें कही।
सूत्रों के मुताबिक शिल्पा ने कहा कि वो अपने इस धंधे से मुझे और मेरे बच्चों को दूर रखे और मुझे तुम्हारी उस काली कमाई में से कुछ भी नहीं चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर लड़ाई सीधे पर्सनल होने लगी थी। कहाँ तो बात क्वारंटीन की थी, कोरोना की थी, लेकिन अब बातें सीधे एक दूसरे पर पर्सनल लांछन तक आ गया था। राज कुंद्रा और शिल्पा के बीच काफी देर तक हंगामा होता रहा, झगड़ा होता रहा और इस दौरान शिल्पा शेट्टी 3 बार रो भी पड़ी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी यहाँ भी रोई और रोते रोते शिल्पा ने यहां तक कहा कि उसने क्या सोचा था और उसके साथ क्या हो गया। अब बड़ी बात यह है कि शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा से जल्द ही तलाक भी ले सकती है। हालांकि बीच में खबरें आई थी कि शिल्पा कुंद्रा से अलग होने की प्लानिंग कर रही हैं, लेकिन कुंद्रा के जेल से बाहर आने के बाद इस पर थोड़ा सा विराम लग गया था। लेकिन अब इस झगड़े के बाद तो तय है कि राज कुंद्रा और शिल्पा एक साथ बहुत ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आए दिन इस तरह के झगड़े होंगे। और ऐसे में माना जा रहा है कि शिल्पा शेट्टी जल्द ही राज कुंद्रा से तलाक लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगी और इसी वजह से, हो सकता है इसी वजह से घर में ये सब कुछ संग्राम हो रहा हो, तमाशा भी हो रहा हो। तो आपका इस पूरे झगड़े पर, इस पूरे तमाशे पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो जेल से बाहर आने के बाद कुंद्रा की फोटोज और वीडियोस तो आप देख ही चुके होंगे, जिसमें राज कुंद्रा एकदम बदले बदले नजर आ रहे हैं। कुंद्रा के बाल थोड़े सफेद रहने के बाद कुंद्रा का वजन भी कम हो गया, गाल पूरी तरह अंदर चले गए तो आंखें पूरी तरह सूजी हुई हैं। सामने आई फोटोज में देखा जा सकता है कि राज कुंद्रा की हालत बेहद खराब दिख रही है। जेल से बाहर आने की खबर के साथ ही राज कुंद्रा खूब फूट फूट कर रोए, मीडिया के सामने भी फूट फूट कर रोए। वायरल हो रही फोटोज में साफ देखा जा सकता है कि राज कुंद्रा के चेहरे पर उदासी है। वो अपना सिर झुकाए सभी से नजरे बचाते बचाते अपनी कार में बैठे। जेल के बाहर और राज कुंद्रा के घर के बाहर भारी तादाद में मीडिया कर्मी मौजूद थे, जिन्हें देखकर राज कुंद्रा अपना रोना नहीं रोक पाए और राज कुंद्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। हालांकि साथ में मौजूद एक दोस्त ने राज कुंद्रा को कार में बिठाया और फिर घर तक पहुंचाया। अब देखिए घर के अंदर जाकर क्या हुआ। तो राज कुंद्रा पूरे 2 महीने जेल में रहने के बाद अपने घर पहुंचे तो कुंद्रा का सिर झुका हुआ था। 2-3 बार बैल बजाने के बाद किसी ने दरवाजा खोला और देखा वहां पर नौकरों के अलावा कोई मौजूद ही नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शिल्पा सेठी ने साफ साफ निर्देश सारे घर वालों को दिया था कि कोई भी राज कुंद्रा से ना तो बात करेगा और ना ही राज कुंद्रा के आसपास जाएगा। अब घर के अंदर से मिल रही खबरों के मुताबिक राज कुंद्रा के माँ बाप तक कमरे से बाहर नहीं आए और अपने बेटे से भी नहीं मिले। नौकरों ने कुंद्रा को पानी दिया और कॉफी के साथ कुछ खाने को दिया। इसके बाद कुंद्रा ने पूछा कि सारे घर वाले कहाँ हैं, जिस पर नौकरों ने कोई जवाब नहीं दिया। अब सामने आया है कि शिल्पा शेट्टी ने तो घर के अंदर भी राज कुंद्रा के रुकने पर बैन लगा दिया है और निर्देश दिया है कि सर्वेंट एरिया में एक कमरा राज कुंद्रा के लिए तैयार किया जाए, जिसमें राज कुंद्रा को तकरीबन 1 हफ्ते तक रहना पड़ेगा। माना जा रहा है कि शिल्पा ने फिलहाल इस कदम के पीछे की वजह कोरोना को बताया है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना की वजह से शिल्पा ने बच्चों और पेरेंट्स को भी राज कुंद्रा से दूर रहने के लिए कहा है, क्योंकि राज कुंद्रा पिछले 2 महीने से जेल में बंद है और जमानत के वक्त भी ढेर सारे मीडिया कर्मियों के बीच से निकल कर आए हैं। इसी वजह से शिल्पा नहीं चाहती कि बच्चों और घर के बुजुर्गों पर किसी भी तरह की कोई परेशानी आए या किसी भी तरह का वायरस कोई असर डाले। हालांकि मीडिया में आ रही खबरों पर यकीन करें तो शिल्पा सेठी ने कोरोना का नाम लेते हुए पूरी प्लानिंग के तहत राज कुंद्रा को घर वालों से दूर रखा है, क्योंकि पिछले दिनों कुंद्रा और शेट्टी परिवार की मीडिया में खूब किरकिरी हुई थी और अब भी कुंद्रा सिर्फ जमानत पर बाहर आया है। केस अभी भी जस का तस चल रहा है और इसीलिए शिल्पा शेट्टी नहीं चाहती कि मीडिया को किसी भी तरह की भनक लगे। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।